Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य. So guys, हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड जर्मन शेपर्ड और लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में. अब इन दोनों के बारे में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप कोई डॉग लेना चाहते हैं और इन दोनों में से कोई डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, इन दोनों डॉग ब्रीड की क्या क्या खास बातें होती है जो आपको जाननी ज़रूरी है अगर आप ये डॉग ब्रीड लेने वाले हैं तो. क्योंकि ये दोनों डॉग ब्रीड बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में और बहुत से लोग इन्हें लेना पसंद करते हैं. तो अगर आप लैब्राडोर या फिर जर्मन शेपर्ड में से कोई डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए. सो गाइस, लैब्राडोर रिट्रीवर और जर्मन शेपर्ड, ये दोनों डॉग ब्रीड ही एकदम अलग है. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका नेचर, इनका जो अबिलिटीज़ है वो सभी अलग है. अगर हम बात करने जाए कि एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग की, तो जर्मन शेपर्ड से बेस्ट गार्ड डॉग शायद ही कोई हो इस कैटेगरी में. लेकिन अगर हम बात करें एक परफेक्ट फैमिली डॉग के बारे में, तो लैब्राडोर रिट्रीवर उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सो लैब्राडोर रिट्रीवर काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जो उन्हें फैमिलीज के साथ रहने में काफ़ी हेल्प करता है. अगर आपकी फैमिली चाहे जितनी भी बड़ी हो, चाहे उसमें 5 मेंबर हो या फिर 10 मेंबर हो या फिर 15 मेंबर हो, चाहे बूढ़े हो या फिर चाहे बच्चे हो, उनमें से किसी को भी लैब्राडोर से उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. बिकॉज लैब्राडोर सभी के साथ घुल मिल जाते हैं. उनको पसंद है कि उनका जो ओनर है या फिर फैमिली मेम्बर जो है वो हमेशा उनके साथ रहे. उनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता. मेरे पास भी एक लैब्राडोर है, उसको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हमेशा कोई ना कोई उसे साथ चाहिए होता है. तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आपकी फैमिली छोटी भी है, तो भी आप लैब्राडोर को बेझिझक रख सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हालांकि इनका फ्रेंडली नेचर कभी कभार थोड़ी बहुत मुसीबत भी बन जाता है, क्योंकि कोई अगर फॉर सपोज़ कीजिए अननोन बंदा है, कोई किसी गलत इंटेंशन से आपके घर में आ रहा है, या फिर कोई आपके घर की, कभी कभार ऐसा होता है कि घर में बाबा वाबा कोई आ जाते हैं, घंटी बजाने लग जाते हैं, या फिर कोई चोर वगैरह आ जाते हैं, तो लैब्राडोर उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, जिस वजह से गार्ड डॉग वाली जो अबिलिटीज़ है वो लैब्राडोर में नहीं होती. सो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी इंट्रूडर के आने पे या फिर किसी चोर वगैरह के आने पे वो आपको चिल्ला के जगाए, उसको डराए. लैब्राडोर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो नेचुरली गार्ड डॉग वाली अबिलिटीज़ रखते हैं. और लोगों के आने पे वो देख के चिल्लाते तो हैं, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो हो सकता है कि शायद वो डर के भाग जाए या फिर कहीं छुप जाए या फिर पीछे जाके चिल्लाने लग जाए. तो एक वॉच डॉग की कैटेगरी से देखा जाए तो लैब्राडोर थोड़े बहुत मीडियम कैटेगरी में आते हैं. वो थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, चिल्ला के आपको जगा सकते हैं, लेकिन गार्ड डॉग वाली अबिलिटीज लैब्राडोर में नहीं होती. और यहाँ पे आता है जर्मन शेपर्ड. अब जर्मन शेपर्ड के बारे में बात करें तो बहुत से लोग उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जर्मन शेपर्ड एक काफ़ी डेंजरस डॉग है, फर्स्ट टाइम ओनर नहीं रख सकते. आपको इंटरनेट पे भी काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है, बट मैं ऐसे नहीं मानता. अगर किसी डॉग को अच्छी तरीके से रखा जाए, चाहे वो कितना भी डेंजरस हो, उसको संभाला जा सकता है. सो जर्मन शेपर्ड को अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी है तो अगर आप संभाल सकते हैं तो फिर आप ज़रूर ले सकते हैं. क्योंकि मैंने भी ऐसे काफ़ी फर्स्ट टाइम जर्मन शेपर्ड ओनर्स देखे हैं जो अपने डॉग को काफ़ी बढ़िया तरीके से संभालते हैं. सो जर्मन शेपर्ड की जो गार्ड डॉग की अबिलिटीज़ है वो बहुत ही कमाल की है. सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग एबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी वो सीख सकते हैं, कितने टाइप के काम कर सकते हैं वो, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एनर्जी हो गया, तो जिसमें जर्मन शेपर्ड बहुत ही अच्छा है. मतलब वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, सबसे बेस्ट तो नहीं, वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड्स में से आता है ये. और कह सकते हैं आप कि इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से पूरे देश भर में, मतलब इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज में भी जर्मन शेपर्ड को आर्मी में, पुलिस में इन्हीं रीजंस की वजह से रखा जाता है कि उनकी जो नीड होती है आर्मी वालों की, सामान इधर से उधर पहुँचाना, चोर वगैरह को पकड़ना, सेंस को स्मेल करना, मतलब जो अगर चोर भाग गया है उसकी स्मेल को पकड़ के ट्रेस करना, तो इन सब चीज़ों के लिए जर्मन शेपर्ड एकदम बेस्ट है. बट अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डॉग आपके लिए बना है. तो स्टार्ट करते हैं हम लैब्राडोर से. तो लैब्राडोर आप कह सकते हैं कि डॉग लेवल में अगर आप कोई डॉग लेना चाहते हैं तो उस लेवल में बेसिक डॉग है. मतलब इनके लिए उतनी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनकी प्राइस भी कम होती है क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. बस आपको मिक्स ब्रीड ना हो इसका ध्यान रखना है.
सो इनकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है, बजट में आ जाते हैं, फिर उसके बाद इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता भी है तो दूसरे डॉग के मुकाबले कम ही है। सो फिर उसके बाद ये ट्रेन अच्छी तरीके से हो जाते हैं, सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, घर में कोई भी आए आपको ये डर नहीं रहता कि काट ना ले किसी को कुछ ना कर दे। लैब्राडोर, ज़्यादातर लैब्राडोर सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, कुछ कुछ लैब्राडोर एग्रेसिव भी हो जाते हैं जो कि ओनर की गलतियों की कुछ वजह से होता है। सो अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर अगर आपके घर में कोई एज्ड लोग हैं जिनको डॉग नहीं पसंद, या फिर कोई भी हो, आपके मम्मी हो या फिर पापा हो जिनको डॉग नहीं पसंद, तो उनको भी लैब्राडोर से प्यार हो जाएगा, आप इस बात को ज़रूर मानिए, क्योंकि वैसे ही उनकी शक्ल क्यूट सी होती है, फिर उसके बाद इतना उछलते खेलते रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। मेरे पास भी एक लैब्राडोर है तो घर का माहौल वो काफ़ी हैप्पी सा बना के रखता है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लैब्राडोर बहुत ही ज़्यादा जल्दी ओवरवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको उसको खाना कम देना है, मतलब खाना मेंटेन करके रखना है, कम नहीं देना, उसकी डाइट मेंटेन करके रखनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करवानी है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग देना चाहे ना देना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि लीश पुलिंग ना करें या फिर कहीं भाग रहा हो तो आपके सिट बोलने पे बैठ जाए, आपकी कमांड को थोड़ा बहुत समझना चाहिए उसे। तो अगर आप एक बेसिक डॉग लेना चाहते हैं, जो अगर आपको डॉग के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई डॉग लेना चाहते हैं, तो लैब्राडोर आपके लिए बेस्ट है, आप ले सकते हैं। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये काफ़ी सेफ रहेंगे और बच्चों को भी एक अच्छा खासा एक पार्टनर मिल जाएगा जिनके साथ वो खेल सके। लैब्राडोर की प्राइस अराउंड 10 से लेके 13 या फिर 14,000 रुपीज़ तक होती है, कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। अगर आप पेपर वर्क के साथ लेते हैं तो 10 to 14,000 रुपीज़ के बीच आपको मिल जाएगा। अब लैब्राडोर के बारे में तो बात कर ली, अब जर्मन शेपर्ड किन लोगों के लिए सही रहेगा वो भी हम जान लेते हैं। तो जर्मन शेपर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सभी लोगों को पसंद नहीं आती, आप माने या ना माने, बहुत से ऐसे लोग होंगे, चाहे वो आपके नेबर्स हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो, बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो जर्मन शेपर्ड से दूर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका खतरनाक मूड देख के कि ये डॉग खा जाएगा, पकड़ लेगा, काट लेगा, एग्रेसिव है, चिल्ला दिया तो डर जाते हैं। सो इसी कुछ रीजंस की वजह से लोगों को ज़्यादातर जर्मन शेपर्ड्स पसंद नहीं आते, लेकिन जो डॉग लवर है, जो डॉग को अच्छे से जानते हैं, उन्हें जर्मन शेपर्ड के बारे में अगर पता है तो उनको जर्मन शेपर्ड से नफरत हो ही नहीं सकती। मुझे भी जर्मन शेपर्ड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये डॉग ब्रीड हर एक साइड से कुछ कुछ पार्ट में अच्छा है। फैमिली डॉग के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि जर्मन शेपर्ड लैब्राडोर जैसे नहीं हो सकते, वो बस उनकी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन बहुत से मैंने ऐसे जर्मन शेपर्ड्स देखे हैं जो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जिनके ओनर उनको खुला छोड़ के रखते हैं ताकि वो सबके साथ मिल सके, उनका इंटरेक्शंस हो सके दूसरे डॉग्स के साथ, ह्यूमंस के साथ। इसी वजह से उन जर्मन शेपर्ड्स में एग्रेसिवनेस वाला नेचर नहीं आता। आप इस बात को समझे कि जितना आप अपने डॉग को बांध के रखेंगे, लोगों की नज़र से दूर रखेंगे, दूसरे डॉग की नज़र से दूर रखेंगे, उतना ही आपका जर्मन शेपर्ड जो है वो एग्रेसिव बनेगा। और ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई रिलेटिव आए, उनके ऊपर चिल्ला रहा है या फिर आपका बात नहीं मान रहा, तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से जर्मन शेपर्ड एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर आस पड़ोस के लोगों को या फिर आपके घर में आने रिलेटिव्स को पहले से ही डर लगने लग जाता है कि कहीं काट ना ले, अगर आप उनके ऊपर चिल्ला दिया तो फिर उनकी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है, इतना बड़ा अगर डॉग चिल्ला दे। सो जर्मन शेपर्ड को ट्रेनिंग देना और उसकी सोशलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर समझ जाए तो आपको जर्मन शेपर्ड के आप रॉटवाइलर भी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। जर्मन शेपर्ड इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर है कि इनकी प्राइस के और इनकी एबिलिटीज़ को देखा जाए तो इनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। इनकी प्राइस अराउंड आपको 12 से लेके 15,000 रुपये तक या फिर 16,000 रुपये तक एक अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर इनकी एबिलिटीज़ को देखें तो इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो जर्मन शेपर्ड की एबिलिटीज़ को मैच कर सके। और बच्चों के साथ इनकी बात की जाए तो ये बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, अगर इनकी नेचर को अच्छे से मेंटेन करके रखा जाए तो, उतने ज़्यादा एग्रेसिव ना हो तो आप छोटे बच्चों को भी इनके सामने खुला छोड़ सकते हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इनके कानों को हाथ लगाए या फिर टेल को हाथ लगाए, जिससे जर्मन शेपर्ड कुछ नहीं बोलेगा। सो फैमिली डॉग के साथ साथ एक थोड़ा खतरनाक सा दिखने वाला, एक अच्छी गार्ड डॉग एबिलिटीज़ के साथ
फिर उसके बाद लार्ज साइज में थोड़ा अगर आप कोई ऐसा डॉग लेना चाहते हैं कम प्राइस रेंज में तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए बेस्ट है। लैब्राडोर को अगर देखें तो वो क्यूट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कम प्राइस रेंज में आते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबको पसंद आते हैं। तो ऐसा डॉग लेना चाहते हैं तो आप लैब्राडोर को प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप नीचे कमेंट में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डॉग से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।